फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हिट्स कॉलोनी पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद पुराने शहर याकूतपुरे से ये खबर है, जहां पर सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। अब तक आपने बुलडोजर को जो है यूपी में चलते हुए देखा होगा, मध्य प्रदेश में चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब हैदराबाद में भी इस तरह का बुलडोजर चलेगा। अब ये बड़े लोग की कहावत है ना कि भाई अच्छे लोगों की सोबत में रहोगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, बुरे लोगों की सोबत में रहेंगे तो बुरी चीज़ें सीखने में आएंगी। तो बहरहाल अब कौन किसकी सोबत में रह रहा है, कौन जो है मध्य प्रदेश जा रहा है, कौन जो है उत्तर प्रदेश जा रहा है, कौन गुजरात जा रहा है, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वहाँ की जो जल्लाद किस्म की पॉलिसी है, अब वो पॉलिसी को लेकर हैदराबाद आ चुके। अब हैदराबाद में भी जो है इस तरह के बिल्डोजर चलते रहेंगे और गरीब गुरबा मुसलमान लोग परेशान होते रहेंगे। तो बहरहाल याकूतपुरे में नाले के पास कहीं ऐसे घर है जहां पर गरीब गुरबा मुसलमान भी रहते हैं, उन सब के घरों को तोड़ दिया जाएगा, वहां के कहीं लोग अप रोड पर आ जाएंगे। मुबैना तौर पर यूं भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से शायद उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जो असल मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन हुकूमत के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू बनती है उसके हिसाब से शायद इनको पैसे मिल जाएंगे। तो बहरहाल देखिए इस तरह का काम अब होने लगा है हैदराबाद में। फिर से एक बार आपको याद दिलाता चलूं, अगर बुरे लोगों से आप दोस्ती करेंगे तो बुरे काम सीखेंगे, अच्छे लोगों से आप दोस्ती करेंगे तो अच्छे काम सीखेंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है मुसलमान हमेशा एक मुस्लिम पार्टी को वोट देते हैं लेकिन बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं मुसलमान ये गलती तो नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट बीजेपी को जिताने के बदल अगर मुसलमान डायरेक्ट बीजेपी को जिता दे तो शायद बात कुछ और ही होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आप यूं जाए या आप यूं जाए, फ़ायदा तो बीजेपी को होने वाला है। तो डायरेक्ट ब्रोकर को हटाकर डायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, सियासत है, हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। तो आइए याकूतपुरे की आवाम क्या कहती है, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। जी मैं याकूतपुरा रैन बाज़ार से बात कर रही हूँ। अहमद पाशा कादरी आए थे हमारे एरिए में और थोड़ा थोड़ा जाता बोले, अब आजू बाजू सब यहाँ पर देख रहे हैं तो किसी के पास 7 फीट ले रही तो किसी के पास 40 फीट ले ले रही, तो वो अपने अपने दोस्त अहबाब के हिसाब से कर रहे हैं ये काम। हम कहाँ जाना, मैं बेवा हूँ साहब, मेरे को 3 नवासे हैं, बेटी को जरा के मार दिए सोए, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है साहब, कहाँ जाऊँ मैं छोड़ के, बच्चों को भी रोज़गार नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बोलिए। अब ये उम्र में ये बच्चों को लेके कहाँ फिरूँ मैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो के भी 2 साल हो गया, हमारा रोज़गार पूरा दुकान पे है, मेन रोड पे है, और हमारे को दिलाई भी तो है इसी, इसके हिसाब से हमारे को अब ये 2 करोड़ का घर है, आप लोग देते 30 लाख 25 लाख, वो ले के कहाँ करना है साहब, हम कहाँ जाना बोलिए, दिलाए तो हमारे को पैसा इस हिसाब से दिलाइए, नहीं तो घर मत लीजिए, हम बेघर हो जाते, लिए भी तो थोड़ा थोड़ा, हमारा तो पूरा घर जाता कहते 150 गज 160 गज है हमारा घर, हम कहाँ जाना बोलिए। मैं बहुत उम्मीद है आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर मैं 30 साल से हूँ, मैं 3 साल से ख़रीद के है ये घर हम लोग, आप कहाँ जाना बोलिए आप, हम बहुत उम्मीद रखे थे हैं अहमद पाशा कादरी आके ये सब करते बोल के, मगर वो साहब ऐसा फिर भी उतना जाके दारुसलाम को जाके बोल के बोले भी तो फिर उतना नहीं जाएंगा बोले, फिर उतना ही जा रहा, हम कहाँ जाना, हमको दिलाए तो यहाँ के हिसाब से अब हमारे को 2 करोड़ आते ये घर के, 2 करोड़ दिलाइए घर लीजिए, नहीं तो आप घर नको लीजिए, हम लोग कहाँ जाना, हमारा रोड पे है, मेन रोड पे घर है, हमारा कारोबार उसी पे चलता, हम बच्चे पूरे 15-20 बच्चे इसी पे पलते, हम जाना तो कहाँ जाना आप बताइए। साहब मैं वो ज़माने से, मेरे बचपने से कारोबार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरा लाखों रुपए उधार है और मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पैसे कौन देंगे, ऐसा ज़मीन पूरा जो है ना, ऐसा दुकान मकान सब चले जा रहा, फिर हम कहाँ करें ना, हमारे को तो टोटली फुटपाथ पर आ जाते हैं हम लोग, हमारा कहीं 250 पैसे पूरे हम उधार में दे दिए, हम बाज़ार में भी उधार लाया, बाज़ार में भी बाकी है और हम भी, हमारा पैसे पूरे आवाम पे है, हम कैसा जीना, हम कैसा कारोबार करना, ऐसा पूरा ले लिए तो जिस जगह नहीं है उस जिस जगह 60-70 मेन रोडों पे 80-80 फीट का नहीं है, आप गलियों में जाके 80 फीट 100 फीट रोड बना तो बोलो तो
क्या बात है, हमारे रहने के लिए कम से कम एक 20 फीट छोड़ के बाद में जो है ना गवर्नमेंट रेट छोड़ के वहाँ पर प्राइवेट में क्या चल रहा है वो रेट से हमारे पैसे दिए तो बस है हमारे को। हम तुम्हारे डेवलपमेंट कर नक्को करो बोल के नहीं बोल रहे, करो डेवलपमेंट मगर हमारा भी ख्याल करो, हमको भी जीने को मौका दो, हम लोग का भी जीना है, बच्चे हैं मेरे को पूरे औरत बच्चियाँ हैं और मेरे को तबीयत ख़राब रहती है, मैं दूसरी जगह जाके मेहनत नहीं कर सकता, मैं यहाँ पूरा पूरा जड़ से जो है ना यहीं मेहनत कर रहे वाला हूँ, यहीं बड़ा हो गया, यहीं बुढ़ा हो गया, अब मैं परेशान हूँ, कल से जो है ना लिख के चले गए पूरे 201 गज ज़मीन नहीं बच रही मेरी मकान का, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक लाया, लाने के बाद पूरा टोटल खींच लेके अकाल दे तुम बोलो तो क्या बात है साहब। कौन सा एरिया है? ये रैन बाज़ार है साहब, ये रैन बाज़ार गांधी का पुतला रोज़तुल अजीज मस्जिद के सामने है साहब हमारा दुकान। तो कभी ट्रैफिक भी जाम नहीं होता साहब इधर? जहाँ ट्रैफिक जाम होता वहाँ पे करना चाहिए, इधर तो कुछ ट्रैफिक ही जाम नहीं होता इधर, वैसे जो है ना बड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी, पूरे मकानात है तकरीबन, थोड़े मलियाँ थोड़े जो है ना मकानात है इसमें, इधर जो है ना मास्टर प्लान की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जो है ना कराए तो अच्छा रहता। अभी अन्ना जो बोले वो बात बराबर है, अन्ना को जो है ना मैं बचपने से जानता हूँ, मैं भी उधार सुधार लेता हूँ अन्ना कने से। MLA साहब इधर से गए तो मैं बात करा MLA पास साहब से, तो उन लोगों का बात करने को राजी नहीं है हम लोगों से, हमारा तकलीफ सुनने वाला ही नहीं है कोई। फिर आप लोग अब तक वोट किसको डालते हैं? हम तो MIM पार्टी को वोट डालते हैं साहब, मैं डाल छोड़ो मेरे दुकान में से गिराक से डलाता हूँ साहब, MIM पार्टी को वोट डलाता हूँ मैं। तो फिर भी आप लोग की बात नहीं? नहीं साहब, मैं दूसरा वोट डालता ही नहीं, दूसरे को डालता नहीं वोट, MIM पार्टी को वोट डालता हूँ मैं। एक डालते एक से ज़्यादा? नहीं साहब, मेरे घर में जितने फैमिली कितने मेंबर्स है उतने मेंबर्स है पूरे MIM पार्टी को वोट डलाता हूँ मैं, मैं सामने ऐसा बता के डाला तो मैं लोगों को ऐसा, ये देखो मैं MIM पार्टी को वोट डाल रहा हूँ बोल के बताता हूँ, तो भी हमारे को कुछ भी नहीं, आज अभी तक तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ हमारे को, अभी एकदम तकलीफ, कैसा तकलीफ हो रहा बोल तो, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा तकलीफ हो जा रहा, जीने का आराम हो गया हमारा, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को पैर का बहुत प्रॉब्लम रहता मेरे को, ये देखो बैकबोन ऑपरेशन हुआ मेरे को, मेरा बैकबोन ऑपरेशन हुआ, मैं काम बैलेंसिंग नहीं है मेरे बॉडी में, मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता मैं, देखो मेरे बच्चे आए, देखो मेरे बच्चे आए, ये लोगों का देखभाल कौन करेगा साहब मेरे को, अब ऐसे दुकान जल्दी से दुकान मेरे जल्दी से दुकान बंद करके जाओ बोले तो हम क्या हो जाना साहब, हम बोलो साहब, आप दूसरी जगह जाके दुकान लगाएंगे तो हमारा चलता क्या साहब, अभी दूसरी जगह जाके जो है ना 20,000-30,000 रुपये में ज़मीन दे बोल तो देते क्या कोई, यहाँ पर जो है ना 10-20-30,000 रुपये गवर्नमेंट वैल्यू दे के जो है ना जाओ बोलो तो फिर कहाँ जाके देना साहब, यहाँ से जो है ना वो रामोजी फिल्म सिटी आगे गए तो मिलता वो पैसों में, अब उधर जाके जंगल में जाके क्या कारोबार करना साहब ये उम्र में, हमारे पास जो है ना अब चल रहा है इधर 1,00,000 रुपये खर्च चल रहा है, 80,000 रुपये खर्च चल रहा है साहब, हमारे हिसाब से दिए तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेते, बेच लेते कुछ भी कर लेते साहब, कुछ भी कर लेते, नहीं हमारा कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तुम्हारा गवर्नमेंट वैल्यू देंगे थोड़ा बहुत पैसे बढ़ के देंगे बोलो तो, फिर हमारा घर बनाए सो है, आज बनाए सो नहीं है भाई, जब एक एक पैसा जमा करके बनाए सो है, हमारे किराने की दुकान का मेहनत कैसा रहता साहब, सुबह 6 बजे उठ के रात के 11 बजे सोते साहब, हम इतना मेहनत करके करने के बाद आखिर में हमारा खींच लेके भिजा तुम बोलो तो हम क्या करना साहब। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करे जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।